ये अफवाहों को रोकने के लिए, चाहे एफबी हो, फेसबुक हो या अन्य ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनके हेड्स के साथ हमेशा ये मीटिंग करते हैं। अफवाहों की भी को भी मतलब एक तरह से सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है ऐसे वक्त में, क्योंकि वो बाजार बहुत गर्म। क्या उसके लिए आपने कोई सख्त पहल की पिछले दिनों में जिसके बारे में आप बताना चाहें? और बतौर कानून मंत्री, जो कोरोना वॉरियर्स पर हमला हुआ उसको लेकर भी कानून में संशोधन करके 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया, ये कितना महत्वपूर्ण समझते हैं आप? देखिए, मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब पहले दूंगा। प्रधानमंत्री ने देश के डॉक्टर पैरामेडिक्स के पक्ष में देश में ताली बजवाई थी, थाली बजवाई थी, उत्साह बनाया था। क्यों बनाया था? कि सही में वो भगवान के दूत के समान हैं, अपने जीवन को खेलते हुए वो लोगों को बचा रहे हैं। कई डॉक्टर एफ्लिक्टेड हो गए, कई शहीद भी हुए, सफाई कर्मचारी, पुलिस वाले, हमारे पोस्टमैन, हमारे लाइनमैन, ये सभी कोरोना वॉरियर्स। शायद उसमें मैं मीडिया को भी रखूंगा, आप लोगों ने बहुत जानकारी दी है। तो ये जरूरी था, जब लोग कुछ नहीं मान रहे थे तो कहा कि भैया अब ये कार्रवाई होगी, इसलिए हमको कानून बदलना पड़ा, उसका असर पड़ा है, नहीं होगा तो कार्रवाई होगी। अब जो पहला सवाल है, तो हमने इन कंपनियों को बार बार कहा है कि अफवाह नहीं हो, इसको रोके। आपको जानकर खुशी होगी कि अब व्हाट्सएप ने अपने सर्कुलेशन को सिर्फ एक कर दिया है, पहले 5 था, उसके पहले अनगिनत था। हम लोग के दबाव और आग्रह के बाद उन्होंने काम किया है। हम उनको बार बार कहते हैं कि आप इस बात की चिंता करें कि ऐसा कोई व्हाट्सएप ना सर्कुलेट हो जिससे लोगों में उन्माद फैले, और यही मैंने बाकी को भी कहा है। और बहुत विनम्रता से कहूंगा, अंजना, करेंगे तो कार्रवाई भी होगी जी। और ये बात रविशंकर प्रसाद, देश का आईटी मंत्री नहीं, देश का कानून मंत्री भी बोल रहा है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल जो मैं अपने आपको पूछने से नहीं बोल रोक पा रही हूँ, छोटा सा उसका जवाब दीजिएगा। ये कोरोना काल, ये लॉकडाउन, ये संकट हर किसी के लिए एक ऐसा वक्त है जब उसे बिल्कुल अलग अनुभव हो रहा है। बतौर मंत्री, बतौर पटना का एक नागरिक, एक ऐसा अनुभव जो शायद अंदर तक आपको कहीं छू रहा है। देखिए, हमारे जो बच्चे देशभर में फंसे हुए थे, उनके माँ बाप मुझे फोन करते हैं, तो कल मैं बहुत भावुक हो गया। एक माँ की बेटी कोटा में फंसी हुई थी, तो बहुत दिन से परेशान थी, तो मैंने उसको कल परमिशन दिलवा दिया। वो आज सुबह 3 बजे गई है सर, कल उसने रोकर मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। आपको बताऊं अंजना, कितने छात्र होंगे सर जो रविशंकर प्रसाद तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे, जो नीतीश सरकार की कोशिशें हैं शायद। अब हजारों आ भी गए, ट्रेन चली है, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, ये महिला के छात्र, क्षमा करिए, देहरादून में थी, वो हॉस्टल में अकेले बच गई थी। कोरोना ने देश को भावनात्मक रूप में जोड़ा है। आप देख रहे हैं कितने लोग गरीबों को खाना खिला रहे हैं, कितने स्वयंसेवी संस्थाएं आ गई हैं, कई जगह मीडिया के लोग भी खाना खिलवा रहे हैं, ये अच्छी बात है। और हमें बहुत अवसर मिला है चिंतन करने का, पढ़ने का। मैंने गीता भी पढ़ी इस बार विस्तार से, मैंने भारत के इतिहास को दोबारा पढ़ने की कोशिश की, थोड़ा समय मिला। और मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है, बिकॉज अंजना यू नो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट पर्सन, भारत इस चुनौती से निखर कर निकलेगा। और भारत ने मोदी जी की अगुवाई में जिस प्रकार से देश को संभाला है, तो दुनिया को एक मिसाल के रूप में देखेगी, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।